हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता और मैं आज आपको पेंसिल से झोपड़ी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप उसके लिए एक आयत ऐसे खींचेंगे, मतलब कि रेक्टेंगल ऐसे। फिर उसके बाद आप जो है एक तिरछा आप आयत खींचेंगे इस तरह से, जो कि यहाँ पे अंदर आएगा और यहाँ से ऐसे बाहर की ओर जाएगा। और ये आप याद रखेंगे कि ये दोनों लाइन बराबर होंगी आपस में, और फिर इन दोनों लाइन को ऊपर से ऐसे मिला देंगे। फिर ये लाइन ऐसे तिरछी जाएगी, और ये सभी जानते हैं कि झोपड़ी का कुछ हिस्सा दीवार से बाहर होता है, तो हमारी ये दीवार यहाँ शुरू होगी। और ये जैसे कि दूर की दीवार है, ये हमारे पास की दीवार है, इसलिए दूर की दीवार छोटी दिखेगी। और इस लाइन से ऐसे मिला देंगे। फिर हम इसमें अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से दरवाज़ा का बना देंगे दरवाज़ा, और इस तरह से इसके दोनों साइड खिड़की बना देंगे। और फिर मैं आपको अभी इसमें शेड देना सिखाऊंगी। देखिए, ये अंदर का, छत के अंदर का भाग है, इसलिए इसमें छाया हमको दिखाना है। पेंसिल से ऐसे ऐसे डार्क कलर कर देंगे, और यहीं से दीवार में भी छाया पड़ेगी। जब दीवार ढकी है, दीवार पे भी छाया पड़ेगी, इसलिए दीवार को भी ऐसे शेड दे देंगे। और एक साइड की दीवार पे इस तरह से शेड दे देंगे, तो ये दूसरे साइड की फ़र्क हो जाएगा, अंतर दिखाई देने लगेगा। और घास फूस से दीवार बनी होती है, छत बनी होती है, तो इसलिए ऐसे दीवार पे हम घास फूस की तरह से ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे, कुछ इस तरह से। कुछ हल्का गहरा ऐसे शेड दे देंगे, और ये खपच्चियों से बंधा होता है छत, इसलिए कुछ इस तरह से बांधने का निशान भी बना देंगे। देखिए, मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से ड्राइंग करना सीखें। इस तरह से हल्का गहरा शेड देंगे, कहीं धूप छाँव या घास थोड़ी दूर पास, इस तरह से दिखनी चाहिए, कुछ इस तरह से। अलग अलग शेड देंगे, एक बार में ऐसा शेड नहीं देंगे। तो इस तरह से एक बार में शेड देने पे समझ में नहीं आएगा, और अलग अलग शेड देने पे ये लगेगा कि हाँ, लकड़ियों से बंधा है और अलग अलग भाग आपको दिखाई देता है, कुछ इस तरह से। ओके, देखिए हमारी झोपड़ी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको एक बार फिर से समझा रही हूँ कि हम यहाँ पे एक तिरछा आयत बनाएंगे, फिर यहाँ एक सीधा आयत बनाएंगे, फिर ये तिरछी एक झोपड़ी बाहर निकाल देंगे उसकी छत, और ये दीवार दूर होती है तो इसे छोटी बनाएंगे और इसे आपस में ऐसे मिला देंगे। यहाँ छाया पड़ रही है, इसलिए इसको हमने इसकी अपेक्षा काफ़ी डार्क दिखाया है ताकि परछाई समझ में आए, और इसकी छाया कुछ हद तक दीवार में पड़ेगी, तो हमने दीवार में भी यहाँ पर पास पास शेड दे दिया है। और फिर ये झोपड़ी की जो छत है, उसके नीचे दीवार पे भी छाया पड़ेगी, तो उस पे भी हमने ऐसे पेंसिल से शेड दिखाया है। आप थोड़ा बहुत चाहें तो यहाँ हल्की हल्की यहाँ दीवारों पे भी शेड दे सकते हैं। और चूंकि ये अंदर का भाग है, घर के अंदर का, इसलिए यहाँ पे भी छाया मतलब अंधेरा दिखाया गया है ताकि महसूस हो कि ये अंदर अंदर का हिस्सा है। तो ठीक है, बस मेरी झोपड़ी तैयार हो चुकी है। अगर आपको झोपड़ी पसंद आए, मेरी ड्राइंग पसंद आए, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।